मलक गठला चमला सकल झट्टा करला नत्र भगला मरला भनेर चाहिँ पढाएको पूरा हुआ भैया। क्या सब के सब यहाँ पे एंटिक है ये वीडियो आई थिंक अगर इसमें गेहूं डालेंगे तो आटा बनेगा, मकई डालेंगे तो मकई का चावल बनेगा। हाँ। जैसे ये चाय का कैटेगरी छुटाई अलग सा होता है बुझो और ये वाला का अलग सा होता है और जो ये मुना ये होता है ना भाई ये सबसे कीमती ये वाला। 2 बज रहा है और हम लोग यहाँ पे चुत्या पकड़ रहा है। तोर चंद्र सूर्य जंगी निशान हमरो। जिंदगी तो दूसरे जन्म में तेरा ही जन्म लेना पड़ेगा भैया। Just looking like a wow, 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 wow. तर यो तीतेलाई चाहिँ हामी तीतो चाहिँ भन्न सक्छौँ, यसलाई तीते चाहिँ भन्नु हैन दाइ है म त के जन्मे है दाइ सक्छ त दाइ सक्छ सक्दैन नि दाइ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजे ट्रैवल स्टोरीज। सो न्यू डे, इट्स न्यू डे न्यू ब्लॉग गाइस। अभी हम लोग नेपाल क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि हम लोग नहीं दिखा पाए आपको इंडिया से निकलते वक्त। सो अभी हम लोग काकरीभिट्टा से थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं। उस दिन भैया बाइक राइड कर रहा था, आज कार राइड कर रहा है। तो पीछे भैया सो रहे हैं थोड़ा। सो यहाँ पे बहुत अच्छा सा सेकुआ और लोकल चिकन मिलता है, वो भैया जानकारी दे रहे हैं हम लोग को। और तो लोगों को बहुत जगह जाने को मिलेगा, यही रास्ता है आपको लेके जाएगा माँ पाथीभरा मंदिर, इलाम, कन्यम, जितना भी टूरिस्ट प्लेसेस है इसी रास्ता से जाते हैं आप। वाह, सनराइज कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। सो हम लोग का जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो भी आप लोग प्लीज़ देख के थोड़ा शेयर कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। सो और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं, तो प्लीज़ जो पुराना वाला वीडियोज़ है वो भी आप लोग देखिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, किक स्टार्ट एकदम किक वाला स्टार्ट होना चाहिए डेली का। सो भैया ने आज सुबह सुबह ना कि किक वाला स्टार्ट कर दिया है। इतना ठंडा 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 मौसम में भी आप भैया ठंडा पानी से नहा के किक वाला स्टार्ट कर दिया है। तो देख लीजिए व्यू, व्हाट अ व्यू। सब्जी लेके जाना पड़ेगा घर के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है ना, साग मिलता है, स्क्वैश मिलता है, स्क्वैश क्या बोलते हैं उसको आलू को सब्जी। सो ऐसे ही टूरिस्ट लोग दिल्ली आ चुका है, देख सकते हैं कन्यम। तो कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग दीदी के दुकान में आ चुके हैं। सो भैया भी उठ चुके हैं, तो नींद पूरा हुआ भैया। क्या भैया 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 राजभवन ग्लोबल। जति पनि सामानहरू छ एन्टिक सामानहरू छ, सो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला मुनि यसको नाम के हो भनेर। मलाई थाहा भएको चाहिँ यो सारङ्गी हो, यो चाहिँ भाँडा राख्ने हो, यो लालटिन भइहाल्यो, ढुङ्ग्रो पुरानो ढुङ्ग्रो, भाँडा, अचना, अब सामान राख्ने यो आई थिंक आई डोन्ट नो, यो ढुङ्ग्रो हो, लालटिन, यो मुङ्ग्रो लुगा धुने, यो रक्सी खानेवाला, ढुङ्ग्रो, चिन्डो। अलि मुनि पनि छ। यो पहिलाको टेप रेकर्डर क्यासेट बज्ने पहिला। केटलहरु छ यहाँ ओखली। यहाँ राजामा आउनु भएको रहेछ। पहिलाको लाइटहरु सब एंटिक हो सबके सब यहाँ पे एंटिक है। ये वीडियो आई थिंक ये जो पहले पहले जो वेट के लिए कैलकुलेटर भी है पीछे ये, और ये छेदा करने का है, ये वीडियो कैमरा, वॉकी टॉकी भी है, ये चम्मच, ये चुलेसी है इसका नाम। डमरू क्या क्या है ये आई थिंक गहना है, ज्वेलरी। यहाँ पे ये कुपी बोलते हैं इसको, लाइट बांधने के लिए पहले पहले से चलता था। ये खुकुरी है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे है, छोटा छोटा है ये। ये स्टोव जो मट्टी तेल डाल के पहले पहले खाना पकाया करता था। तो ये ढूंढ रहा है। ये टाइपराइटर, ये वीसीआर वीसीडी लगा के पहले पहले मूवी देखते थे। ये देखिए आयरन, ये ढॉक जो वेट का काम करते थे। ये पहले पहले जो मशीन है ना अभी, जैसे ये इधर पे ये डाल के इसे रोल करने से चावल निकलता था। वो कोदो को पिठो बनाता था। इसको बोलता है, क्या बोलता है इसको बहन जी? जातो। जातो जातो बोलता है इसको। तो इसको ऐसे घुमाने से अगर इसमें गेहूं डालेंगे तो आटा बनेगा, मकई डालेंगे तो मकई का चावल बनेगा। हाँ, तो चावल डाल के चावल का पिठो बनेगा। बहुत तरीके के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें तोरी को डाल के तोरी का। तो ये आइडिया कैसे आया होगा ये? तो वो है ना टेंशन देखो इसमें ये भी एक इनोवेशन है ना, बहुत बढ़िया इनोवेशन है। तो ये कैसे बनाया कि कैसे ये पता चला कि इसे करने से वो आटा बन जाएगा, गेहूं को डालने से, मकई डालने से वो खाना, उसको खाना चावल से मिला के। इसमें आइडिया क्या पता है? यहाँ पे देखो छेदा छेदा है, ये देखो। तो ये छेदा छेदा होने वजह से जो उसका बाहर का क्या बोलते खोल है ना, वो टूट जाता है, एकदम जाता है। धुलो मशीन जैसा काम करता है। अच्छा। ओ बाप रे, इधर है एक हाथी। बाप रे, हाथी का बच्चा इधर रख रहा है हाथ में। ये देखो दोस्तों, हम आज इलाम का पूरा नजराना देख रहे हैं। पूरा चिया से भरा हुआ है। हिल में जो चिया होता है वो प्लेन से बहुत डिफरेंट होता है। और ये यहाँ पे बहुत, यहाँ का चाय टेस्टी होता है। जा रहा है ऊपर ये पहाड़ चढ़ने। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है भाई? ये शायद, तो ऊपर चलो ना। कहाँ जा रहे हैं भाई? तुम नगर कार्यपालिका कार्यालय। चलो इधर से जाते हैं। देखो ये चिया भरा हुआ है सब। धतुरो बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये धतुरो क्या करता है इसको? वो गांजा भांसे जैसे धतुरा आता है। ए ऐसा मत करो। वो देखो, ये है ठंडी जगह में होने वाला डॉग। दिखता तो ये लोमड़ी के जैसा है यार। देखो ये कैसा दिख रहा है। कुछ मत करो ना, काटना मत भाई। देखो ये नजारे, प्योर ऑर्गेनिक चाय है ना। ये देखो प्योर ऑर्गेनिक चाय, प्योर से बहुत बहुत टेस्टी चाय, बहुत टेस्टी चाय है। वर्ल्ड में सबसे अच्छा चाय इलाम में मिलता है। ऐसा है। इसको ऐसे हाथी चाय भी बोलते हैं भाई, ऐसे भी बनाते हैं चाय। कैसे? ऐसे करके ना, इसको ऐसे ऐसे बना के ऐसे करके पूरा सुखाते हम, है ना, ऐसे करके सुखा के बनाते हैं। ये बहुत महंगा होता है, देखो तो चाय का कैटेगरी, जैसे ये चाय का कैटेगरी छोटा है, अलग सा होता है भैया, बुझो, और ये वाला का अलग सा होता है, और जो ये मुना ये होता है ना भाई, ये सबसे कीमती ये वाला, हाँ, हेल्थ के लिए सबसे अच्छा, बहुत ही, इसको बोलते हैं ये दुई पाते बोलते हैं इसे। तो महंगा है ये बहुत, बहुत महंगा भैया। देखो इधर ये यहाँ का लोकल गवर्नमेंट सरकार ये बना दिया है, ऐसे अच्छा है। यहाँ पे आप जिम का आइटम रख दिया है इधर, इसे इसे कर सकते हो। देखो हाँ, ये देखो ये ऐसा कर सकता है, हाँ, साइकिलिंग जैसा है, हाँ, ऐसा ऐसा, हाँ। और यहाँ पे ये भी है, देखो ये भी करो भाई, ये करोगे क्या करना है? उधर बैठो, उधर ऐसे बैठो ना, ऐसे नहीं, हाँ हाँ, पैर उधर लगाओ, हाँ, अब ये करो एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज, ये हाँ, चलो कितना मारोगे भाई? 25-30 मारोगे। तो यहाँ पे भी है, ये क्या है? देखो बच्चे लोग ये खेल रहे हैं इसे, हाँ, ये लेग का है, लेग का, लेग 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 का एक्सरसाइज है। One more rep. Yes. Yes. Come on. चलो मारो मारो। क्या दिखा भाई तुम्हारा? अंडरवेयर दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, अंदर का हुडी दिख रहा है। तो आप लोगों ने दिखा होगा, लोग जिम में जाते होंगे, हम सुबह सुबह या फिर शाम को हम लोग लॉन्च करके आए हुए हैं यहाँ पे। तो 2 बज रहा है और हम लोग यहाँ पे चुतिया पकड़ रहा है। कोई बात नहीं, चुतिया पे करना है भाई जिंदगी में। ये देखो ये चकली चुकली है। ये देखो, हाँ, रातो चंद्र सूर्य जंगी निसार। भाई घर मौसम भाई, मौसम भाई भन न कहाँ हो तिम्रो घर? इलाम बजार हो। यता हेर न त, अनि कतिमा पढ्छौ तिमी? 5मा। यहाँ घुम्न आएको नि, यता हेर्दै देख्छौ रे, एकचोटि हेर्दै त यार, वान टाइम तिमी लजाउँदो रहेछ यार, आउडै रहेछ नि तिमी त। इसको कोनो टेन्सन नै है ना, इसको पीने का टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना पढ़ाई का टेंशन। तेरे को माँ कुछ बोलती है घर में, क्यों लेट आए घर पे, किसके साथ गए हो? कोनो टेंशन नहीं है इसको, बस खाया पिया सुआ, जिसके साथ उठना बैठना सोना है ना। बहुत अच्छा है ज़िंदगी, तो तूने पाया है। हमको जब आप लौटेंगे घर में, माँ बोलेंगे कहाँ गया था चुतिया तू? तो हम बोलेंगे दोस्तों के साथ बाहर गया था। तेरे को कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो तेरा नसीब, खुद नसीब है भाई तेरा यार। जिंदगी तो दूसरे जन्म में तेरा ही जन्म लेना पड़ेगा भाई यार। रोक देना मेरे दोस्त, ले जाओ। और यहाँ पर खड़े हेर दो, तेरे गाड़ी में Anup sir is written as the Gorkhan Zindabad man. Oh, yo, 19 years over here, man. I have to go back. Bye, Anto. Ready? Guys, jump. Wow. Enjoy with you, man, all. Die. No, we are leaving. Oh, yeah, no. You are leaving the man. Make me satisfaction, man. Come, one day I'll meet you, man. One day I'll meet you over there as a leader of Darjeeling, man. ये लोग तो ऐसे ठंड में से क्या खाना है? अच्छा। घर का दुकान ये खाना है। वो जर्मन शेफर्ड मारेगा भाई, वो तो तेरा पोटी निकाल देगा, समझा भाई? तुम्हारा एक पीस तो पूरा निकाल देगा वो। क्या घूम रहा है क्या? देखे ना जर्मन शेफर्ड अगर ये लोग को वो कच्चे मांस को ऐसे आग में पोल के खाना है। ढूंढ रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन इलाम में तोंबा पीना है क्या? तोंबा यहाँ तो बहुत मिलता है भाई। देखो इधर होटल इधर सब, देखो सब इधर पे बिजनेस करता है। राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी है। अन्त राई सुल्टिनहरु आउनुस है, हामी त यहाँ आइपुगेको छ। तङबा खानु इलाममा राई कुराहरु छ, यहाँ यस्तो कुराहरु। अच्छा कस्तो खाने रे? नाइटोको नाभि चर्किने गरी कसरी चर्किन्छ नाइटोको नाभि? बेचे खाएपछि वो यो पान दुकाने में सोध्नु पर्दैन, इले यहाँबाट मासु लान्नु न कति मासु त्यही थियो त अगाडि। वाओ क्या मजा मचक है भाई। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव 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 मैजेंटा वाव येलो वाव 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 लचक बार छ त। यो अब उता पहाडमा चाहिँ अब कोटमा राखेको थियो नि एकजना गोठाली, गोठमा बसेर अब उसले चाहिँ बिचरा क ख र अ मात्रै पढेको बिचरा गोठाला। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ मात्रा चाहिँ नपढेको बिचरा, अब उहाँले गोठमा चामल छ, त्यो मालिकलाई अब चिठी लेख्नु पर्यो। त्यतिखेर मोबाइलमा थिएन, चिठी लेखेको छ अरे मालिकलाई क्या। सवामा मलक गठल चमला सकल झट्ट गरल नत्र भकल मरल भनेर चाहिँ पढाइदिन्छ। मात्रा पढेन भने चाहिँ मात्रा बिचराले पढेन। कर उ कर इ कर जो छोटाइको पढेको हुन्छ नेपालमा, त्यो नपढेको अवस्थामा चाहिँ उसले बिचरा कति सवम मलक मालिक भनेको सेवामा भनेको अब टु द हुन्छ नि। अब सवम मलक गठल चमल सकल गोठामा चामल सक्यो झट्ट गरल नत्र भकल मरल भनेर लेख्नु पर्छ। छिटो गराला मर्छ झट्ट गरल, उसले बिचरा झट्ट गरल नत्र भकल मरल, नत्र चाहिँ भोकेले मर्छु भन्नु पर्यो बिचरा गोठाले। मात्र अम्बो के हो खतरा गर्नु भयो त? अम्बो आमा खतरा गर्नु भयो त दाइ? के हो आमा यो भन्दा त म दामी बनाइदिन्छु बरु। कहिले त हेरौँ न हाम्रो चाहिँ यार, उसले त खतरा तानेको छ, कत्रो लामो तानेको नि त। आम्मा कत्रो खतरा गरेको हो तेरी काममा टोक्ने हो रहेछ यार, तपाईँभन्दा त उसले खतरा गर्दो रहेछ। कस्तो दिवराज मासु कस्तो बनायो? मासु त राम्रो लाग्यो कि यो तितो चाहिँ अलिक होइन। कस्तो हुनु पर्थ्यो खास? यो चाहिँ यत्रो डेना तितो चाहिँ हुनु हुँदैन रहेछ। मासु चाहिँ लोकल हो नि, प्योर अर्डर आउँदैन हो। मासुलाई चाहिँ हामीले दिल खोलेर लोकल भन्न सक्छौँ। अच्छा भन न, अच्छा। तर यो तितेलाई चाहिँ हामी तीतो चाहिँ भन्न सक्छु, यसलाई तीतो चाहिँ भन्नु मिल्दैन। भाइले यो गीत गाएको भाइ यो गीत त गाउनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले सुन्दैछु। यहाँ बिटो यस्तो नोस्टाल्जिक फिलिङ आउँदैछ हजुर भाइ। यो गानको त खतरा छ त भने होइन दाइ है, म त के जन्मै जन्मे है दाइ। सक्छ त दाइ, सक्छ सक्दैन नि दाइ। कौन 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 है दुनिया में, इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ भाई। हाँ? इस दुनिया में हमसे अच्छा कोई पैदा ही नहीं हुआ। किसी के पास औकात है क्या? हाँ किसी के पास नहीं है। चश्मा देखो भाई, ये चश्मा देखो। यो गॉक्स छ नि दाइ, यो गॉक्स छ नि, यो जुन दाइ हाम्रो गॉक्स, यो चाहिँ हाम्रो नि त एकदम नेपाली ब्रान्ड म्यु म्यु को गक्स रहेछ कि त। भर्खर लेटेस्ट क्या दाइ, लेटेस्ट भर्खर बजारमा चाहिँ भर्खर उत्रेको रहेछ क्या दाइ। अच्छा मार्केटमा चाहिँ भर्खर उत्रेको रहेछ क्या दाइ। अनि यसो गगल्स नि दाइ हैन, यसो गगल्स सो शीतलु हुन्छ नि दाइ, शीतलु राति पनि शीतलु राति शीतलु दाइ। हेर्नु न दाइ हाम्रो त ठिकै छ दाइ, किन हाम्रो कोठा हेर्नु दाइ राति पनि शीतलु हैन यति। अनि यो सबै चिजले दाइ मेरो यो मृग नयनी आँखा दाइ भोलि अलिकति मेरो के भनौँ त्यो आँखाको ज्योति कम भयो भने मेरी उनीलाई म धप्प धप्प देख्छु नि त फेरि दाइ। त्यही भएर यो चस्माले चाहिँ मेरो आँखालाई मैले उनीको लागि जोगाएर राखेको दाइ। सक्छ त दाइ, सक्छ दाइ, कसले सक्छ? सक्दैन नि शीतलु है दाइ। ल यो चाहिँ फेरि ए शीतलु आयो, तिमी मात्रै कति हेर्छौ, मलाई पनि हेर्न देऊ न। लुकी लुकी माया, लुकी लुकी यो देशमा जिम्मेदार फेल खाए त हो। यो त मेरो चेला हो नि यार, फेल खाए त नि होइन क्या। यो मन पर्ने नि दाइ, के गरेर मन पर्नै पर्ने क्या दाइ। बस आफ्नो काबुमै नहुने क्या दाइ यो मन नि। अब यो चस्मा लाउनु मन लाग्यो शीतलु दाइ होइन। अब अहिले सो सोच्छु दाइ बेला बेला ऐना हेर्दा होइन, हाम्रो कि जन्मे जन्मे क्या दाइ। म त यस्तो त्यो जुन चाहिँ अघि कुरा गर्दै थियौँ हामीले, अब म एउटा सानो एउटा त्यो हजुरको वक्तव्यमा दुई शब्द म राख्न सक्छु नि त होइन। मेरो मुखर बिन्दुबाट दुई शब्द त अभी रात पड़ चुका है तो आसमान में काफ़ी सारे तारे दिख रहा है, लेकिन ये फ़ोन में इतना लेंस नहीं है जो पूरा तारा को अच्छे दिखाए, लेकिन 2-3 तारा ऐसे झलक रहा है। तो ये ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपके थोड़ा हेल्प आपके साइड से, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब की वजह से हमको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा और बूस्ट मिलेगा, ताकि हम ऐसी वीडियो और लेके आए आपके सामने। तो गुड नाइट फ्रॉम इलाम।